Hi kids, how are you all? Hope you all are doing good. Excited to learn something new? Yes, I am excited too, and I am back with a new lesson of your book. So welcome back to your SST class, kids. Again, we start with a new chapter of our book, that is Jelly Bean Journeys by Brain Root Publication. Children, today we shall begin with chapter number 12. Okay? आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे एंड चैप्टर नंबर 12 इज अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं, राइट? अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सब कुछ वैरायटी है, राइट? आज हम इनके बारे में और अच्छे से जानेंगे. ये कैसे बनते हैं, किस तरीके से उगाया जाता है, कैसे खाना हम तक पहुँचता है, हम ये सब आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. In this chapter, we will study about the different food crops in India, fruits and vegetables, different kinds of pulses, spices, yani masale, and cooking oil, yani tel. Read and take the food they like. So, see, these are three kids. ये तीन बच्चे हैं और ये कुछ खाना पसंद करते हैं. हमें टिक करना है कि इन्हें कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है. Hello, I am Shelly. I like chicken pizza but not, I don't like fish. I like water but I don't like juice. So she likes chicken, she likes pizza but she doesn't like fish. Then she likes water but she doesn't like juice. Hi, my name is John. I like cake and ice cream. तो cake and ice cream उसे पसंद है लेकिन उसको yogurt पसंद नहीं है. I like orange juice लेकिन apple juice पसंद नहीं है, right? Hi, I am Carly. I like yogurt. Okay, good. I like pizza also. I like water, but I don't like fish and chicken. So, देखा बच्चों, अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है. हम में से भी कई लोगों को कुछ डिश बहुत फेवरेट होती है. कुछ लोगों को दाल चावल पसंद है, कुछ लोगों को रोटी सब्जी पसंद है, कुछ लोगों को भिंडी बहुत पसंद है, कुछ को करेला बहुत पसंद है, कुछ लोगों को आलू बहुत पसंद रहता है ना. कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा मीठा पसंद करते हैं. तो हर किसी की फूड प्रेफरेंस जो है अलग अलग है, राइट? आज हम फूड प्रेफरेंस के बारे में ही पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन. फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. हमें एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, पेट भरने के लिए, हर चीज़ के लिए, बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए फूड चाहिए. We need fruit to live. It gives us energy and helps us to grow. The food we eat helps our body to stay healthy and fight diseases. It is one of our basic need. यानी food हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, grow करने के लिए चाहिए, diseases के against fight करने के लिए चाहिए, ठीक है ना. बहुत सी reasons है. काम करने के लिए जो energy चाहिए वो भी खाने से ही आती है. तो इन सभी के लिए हमें food चाहिए. फूड हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है एंड इट इज़ द बेसिक नीड दैट वी रिक्वायर ऑन डेली बेसिस. फूड क्रॉप्स इन इंडिया. हम वैरायटी फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों पुराने चैप्टर्स में कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. यानी इंडिया में ज़्यादातर लोग आज भी खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं. तो इसका मतलब इंडिया में बहुत तरह तरह के फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं. आइए इन सब के बारे में और अच्छे से समझते हैं. अ वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दिस इज़ बिकॉज अवर कंट्री हैज़ डाइवर्स फिजिकल फीचर्स, सॉइल एंड क्लाइमेट. अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग तरह की सॉइल है, अलग अलग तरह का वेदर और क्लाइमेट है, जिसकी वजह से हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं. ओके, द फूड क्रॉप्स दैट आर ईटन मोर इन अ पर्टिकुलर रीजन बिकम द स्टेपल डाइट ऑफ दैट प्लेस. अगर कोई फूड क्रॉप किसी जगह पे बहुत ज़्यादा खाई जाती हो, ज़्यादातर लोग एक पर्टिकुलर क्रॉप को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको हम वहाँ का स्टेपल डाइट बोल देते हैं. जैसे वेस्ट बंगाल में लोग राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो राइस एंड फिश इज़ द स्टेपल डाइट. इसी तरह हरियाणा में लोग जो हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी में लोग रोटी ज़्यादा प्रेफर करते, तो वीट इज़ देयर स्टेपल डाइट, राइट? तो इस तरीके से जिस जगह में लोग कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो वहाँ का स्टेपल डाइट माना जाता है.
साउथ इंडिया में स्टेपल डाइट क्या है? राइस, क्योंकि वहाँ के लोगों को राइस बहुत पसंद है. सम ऑफ द मोस्ट वाइडली ग्रोन फूड क्रॉप्स इन इंडिया आर राइस. सबसे ज़्यादा जो फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं इंडिया में, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है राइस, यानी चावल. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया. द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर आसाम, वेस्ट बंगाल, द कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. इन सभी स्टेट्स में जो है, 28 स्टेट्स है ना, उनमें से इन सभी स्टेट्स में चावल यानी राइस का प्रोडक्शन होता है, यानी राइस ग्रो किया जाता है. ओके, दिस इज़ द क्रॉप ऑफ राइस. राइस जिस फॉर्म में हम खाते हैं, राइस वैसे नहीं उगता. राइस इस फॉर्म में होता है, फिर क्लीन करके इसमें से दाने निकाल के हम पर प्रॉपर तरीके से राइस आता है. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पे आता है राइस प्रोडक्शन में. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चावल का भारत में, मतलब आफ्टर अनदर कंट्री, हमारी कंट्री में ही होता है. ओके, इसके बाद आते हैं वीट यानी गेहूं. जैसा मैंने आपको बताया है कि इंडिया में रोटी भी उतने ही शौक से लोग खाते हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन स्टेट्स में रोटी का भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है. तो वीट इज़ आल्सो अ मेजर फूड सोर्स. वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ इंडिया. द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान. इन सभी जगहों पर जो है वीट यानी गेहूँ उगाया जाता है. दिस इज़ द क्रॉप इमेज ऑफ वीट. ओके, नेक्स्ट इज जोवार. जोवार अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप. द मेजर जोवार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. एंड नाउ वी कम टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि हमारे डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हमें विटामिन एंड मिनरल्स सप्लाई करते हैं. Farmers in different states grow different types of fruits and vegetables. Many fruits and vegetables are available throughout the year. कुछ ऐसे फल और सब्जी हैं जो साल भर हमें मिलते हैं, जैसे आलू, प्याज यानी पोटैटो, ऑनियन, टमाटो, चिलीज, लेडी फिंगर, ये सब हमें साल भर मिल जाता है. ऑल राइट, एंड देयर आर सर्टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर अवेलेबल ओनली इन सम सीज़न. कुछ ऐसे फल और सब्जी भी हैं जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही मिलते हैं. ऑल राइट, सम फ्रूट्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, सच एज बनाना एंड एप्पल, यानी केले, सेब, ऐसे जो फल हैं ये आपको साल भर मिलेंगे. जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर वाइड वेराइटी ऑफ एप्पल्स. वहाँ पर तरह तरह के एप्पल्स ग्रो करते हैं. और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत तरह तरह के मैंगोज़ मिलते हैं. ठीक है, अलग अलग तरह के मैंगोज़ मिलते हैं. द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर एंड महाराष्ट्र आर फेमस फॉर ऑरेंजेस, यानी अलग अलग स्टेट्स जो हैं अलग अलग फ्रूट्स के लिए भी फेमस हैं. अब आते हैं पल्सेस पे. जिस तरह की हम दाल खाते हैं, सब रोटी और चावल के साथ हम दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, तो अब दालों के बारे में पढ़ लेते हैं. Our country produces a large variety of pulses. Pulses like arhar, moong, urad, masoor are eaten all over the country. अलग अलग तरह की recipes बना के अलग अलग forms में इनको consume किया जाता है. Pulses are major sources of protein. ये हमें protein देते हैं और हमारी body को energy देते हैं. अब आते हैं spices. See, spices play a very important role in द फूड. अगर मसाले नहीं पड़ेंगे खाने में तो खाना फीका हो जाएगा ना. अगर हम उसमें थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची, नमक, चीनी ये सब नहीं डालें तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा ना खाना, ब्लैंक, टेस्टलेस. तो टेस्ट एनहांस करने के लिए तरह तरह के मसाले जो है बनते हैं. ये मसाले हमारे शरीर के लिए भी अलग अलग तरीके से उपयोगी है. जैसे टर्मरिक यानी हल्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी तबीयत के लिए. राइट, इंडियन डिशेज हैव बिकम वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंडियन फूड और डिशेज बहुत ज़्यादा फेमस है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्पाइसेस दैट वी यूज़ इन अवर फूड. स्पाइसेस एड कलर, टेस्ट, फ्लेवर एंड अरोमा टू अवर फूड. कलरफुल कर देता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट ऐड करता है, एक बड़ा अच्छा सा जो है फ्लेवर ऐड करता है और साथ में खुशबू भी ऐड करता है.
सम कॉमन स्पाइसेस आर चिलीज, क्लोव्स जिसको हम लौंग के नाम से भी जानते हैं, हल्दी यानी टर्मरिक, पेपर यानी काली मिर्च पिक्चर दिया हुआ है, कार्डमम यानी इलायची एंड कोरिएंडर यानी कि धनिया। ठीक है, ये सभी हमारे रोज़ के खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। कुकिंग ऑयल्स, ऑयल इज़ ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड। सम ऑफ द पॉपुलर ऑयल्स यूज इन इंडिया आर मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन स्टेट्स में यूज़ होता है, तो वहीं मस्टर्ड ऑयल यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑल राइट, और ग्राउंडनट ऑयल जो है, जितनी भी तरह की नमकीन बनती है, तरह तरह की वैरायटी, वो ज़्यादातर हलवाई वगैरह जो हैं, कन्फेक्शनर्स हैं, वो कई लोग जो है ग्राउंडनट ऑयल को प्रेफर करते हैं। ऑल राइट, सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स हमारे डाइट को कंप्लीट करते हैं। फूड ग्रेन्स आ गए, पल्सेस आ गए, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, ऑयल्स आ गए, ये सब जब आपस में मिल जाते हैं तब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बनता है, जिससे हमारे शरीर को प्रॉपर पोषण मिल पाता है। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी केम टू नो अबाउट सम स्पेसिफिक टर्म्स। पल्सेस, द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज अरहर, मूंग, मसूर एंड लेंटल्स। फार्मर, अ पर्सन हु ओन्स अ लैंड और हु ग्रोज क्रॉप। स्पाइसेस, समथिंग यूज टू गिव फूड अ स्पेशल फ्लेवर और टेस्ट। टर्मरिक, अ येल्लो कलर्ड स्पाइस दैट इज रूट, लाइक पाउडर्ड रूट ऑफ अ प्लांट। हल्दी ना जैसे अदरक होती है वैसे ही मिलती जुलती देखने में होती है, उसको सुखा कर पीस कर पाउडर को हम यूज़ करते हैं खाने में। ओके, नाउ लेट्स लुक ओवर, वी हैव स्टडीड दैट फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। सम ऑफ द मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर वीट, राइस एंड जवार। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर बेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो, ऐसे ही महाराष्ट्र है ऑरेंजेस के लिए, है ना, और हिमाचल और जम्मू कश्मीर है एप्पल्स के लिए। स्पाइसेस एड फ्लेवर एंड टेस्ट टू इंडियन फूड। अ वेराइटी ऑफ ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल आर यूज इन इंडियन कुकिंग। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं हमें चैप्टर कितने अच्छे तरीके से समझ में आया। द मोस्ट कॉमन स्पाइस, जो बहुत ही कॉमन स्पाइस है वो इनमें से क्या है, क्लोव एंड टर्मरिक, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सो लौंग और हल्दी दोनों ही इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सो बोथ ऑफ दीज। सेकेंड, हिमाचल प्रदेश इज फेमस वेराइटी ऑफ एप्पल्स, हिमाचल प्रदेश में जो फेमस है वो एप्पल्स की वेराइटी फेमस, तरह तरह के एप्पल्स वहाँ से आते हैं। डैश इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया, वीट, सबसे पहला है राइस और राइस के बाद वीट। फोर, तमिलनाडु इज द मेजर डैश प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, वीट, जोआर, कैरोट और लीची। सो तमिलनाडु में जो है आपका जोआर उगता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज फिफ्थ, डैश इज अवेलेबल इन सीजनल, कुछ फ्रूट्स और राइस, वीट, मेज़ तो बेटा किसी भी सीजन में उगता है, फ्रूट सीजनली अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स जो हैं वो सीजनल भी होते हैं। सिक्स्थ, विच वन ऑफ दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, पल्सेस, बनाना, स्पाइसेस, पोटैटो। तो पल्सेस जो हैं वो हमें प्रोटीन्स देते हैं, तरह तरह की जो दालें हैं जैसे अरहर, मूंग, चना, ये सब जो हैं प्रोटीन्स के रिच सोर्सेज हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, हमें मैचिंग करना है जो फूड क्रॉप्स या ऑयल या फिर फल जहाँ पे ज़्यादा फेमस है उनके साथ मैचिंग करना है। तो कर्नाटका में हम जवार ले सकते हैं, आसाम में राइस, ओके, जम्मू में एप्पल्स, नागपुर में ऑरेंजेस बहुत फेमस हैं, एंड सरसों जो है वो कुकिंग ऑयल है, यानी मस्टर्ड जो है उससे कुकिंग ऑयल बनता है, मस्टर्ड कुकिंग ऑयल, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ द मैचिंग, आई होप दैट यू हैव डन द मैचिंग अलॉन्ग विद मी। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर सी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर मोस्टली ग्रोन सीजनली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियाँ जो हैं वो सीजनल होते हैं, सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
Alright, fruits and vegetables. Second, spices add flavor and taste. Flavor and taste to Indian food. Next, third, dash is essential for all living things. Food. खाना जो है हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा important है, जिंदा रहने के लिए important है, right? Fourth one, dash is most important crop of India. Rice. सबसे पहले नंबर पे आता है राइस, क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आता है, सेकेंड पोजिशन पे आता है. फिफ्थ, इट इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड. स्पाइसेस, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें फूड कुक करने के लिए लेते हैं, सो हम लिख सकते हैं ऑयल. डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स आर यूज फॉर कुकिंग फूड. एंड सिक्स्थ वन, डैश इज द बेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो. सबसे वेराइटी जो अच्छा है मैंगोज का वो आता है हमारा उत्तर प्रदेश से. डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगोज, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो है सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ मैंगोज हमें मिलते हैं. जैसे नागपुर से ऑरेंजेस बहुत अच्छे मिलते हैं, संतरे, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल से सेब, उस तरह उत्तर प्रदेश में वेराइटी ऑफ मैंगोज मिलते हैं. So I hope children you have done these. Now we have answered the following questions. So why do we need food? We need food to live. It gives us energy to grow. It gives us energy to work. Hai na? We need food for different purposes. Name two major rice producing states. Assam, West Bengal, Tamil Nadu. These all are major rice producing states. Third, why are spices important? Spices are important because they make our food flavorful and tasty. They add color to it and they also enhance the quality of the food. Fourth, name popular oils used in India. Mustard oil, coconut oil, and third one kaun sa tha? Mustard tha, coconut tha, and groundnut oil. Okay. Fifth one, name some main food crops of India. Main fruit crops of India are rice, wheat, jawar. Then there are pulses also, so you can add on that also. What is a staple diet? The number of people living in a particular area eating a particular food crop in large quantity becomes its staple diet. Okay? यानी एक जगह पे जब वहाँ के majority के लोग कोई particular food crop बहुत ज़्यादा consumption कर रहे हैं तो उसको हम वहाँ का staple diet बोल देते हैं. For example, तमिलनाडु और West Bengal में लोग rice ज़्यादा खाते हैं, तो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का स्टेपल डाइट हो जाएगा राइस. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपरली. सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर. बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.